प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही खास दिन पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन में एक बहुत खास स्थान रखता है, और वो है माँ। जी हाँ, माँ। जब हम माँ के विषय में बात करते हैं तो ये केवल एक ऐसी स्त्री नहीं है जो अपने घर और परिवार को संभालती है, ये केवल एक ऐसी स्त्री नहीं है जो मात्र अपने बच्चों की देखभाल करती है, ये एक ऐसी स्त्री है जो एक भविष्य को बनाती है, ये एक ऐसी स्त्री है जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है, ये एक ऐसी स्त्री है जो पीढ़ियों का निर्माण करती है। जी हाँ, हम माँ के महत्व को और माँ के इस विश्व को बनाने या इस पीढ़ी के निर्माण के योगदान को कभी भी कम न समझें। माँ जितना स्वभाव में कोमल है उतना ही अपने विश्वास में और अपने समर्पण में दृढ़ होती है। आइए आज हम बाइबल से एक ऐसी स्त्री के बारे में देखें जो एक माँ है और जिसने वास्तव में इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम बाइबल में पुराने नियम से रूत नामक एक जवान स्त्री की कहानी को देखेंगे जहाँ पर उसकी सास नाओमी एक माँ की भूमिका को कितनी अच्छी तरह से निभाती है। यदि हम रूत के जीवन को देखें तो उसके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है उसकी सास नाओमी। कहने को वो उसकी सास है लेकिन वो उसके लिए अपनी माँ से बढ़कर है। नाओमी उसके लिए एक सास नहीं बल्कि माँ थी, और आज हम उस माँ के जीवन से कुछ चीज़ों को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। जो सबसे पहली बात हम रूत की किताब उसके पहले अध्याय में देखते हैं, नाओमी एक ऐसी स्त्री थी जो अपने पति और अपने दोनों बेटों के साथ अपने देश इज़राइल को छोड़कर किसी कारणवश दूसरी जगह पर आई, और जब वो इस नए स्थान पर आती है कुछ समय के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके दोनों बेटे शादी कर लेते हैं और कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। अब नाओमी अपने जीवन में एक ऐसे समय से होकर जा रही है जहाँ पर बहुत ही दुख है, बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही वेदना है, बहुत ही कष्ट है। उसने अपने जीवन के आधार को खो दिया है, उसने अपने भविष्य को खो दिया है, और इस समय वो अपने लोगों के बीच में नहीं है, अपने रिश्तेदारों के बीच में नहीं है, अपने देश में नहीं है, अपने कुटुंबियों के बीच में नहीं है, वो एक परदेश में है, अनजान लोगों के बीच में है, दुख की घड़ी में है, और जबकि उसका अपना परिवार पूरी तरीके से खो चुका है। ऐसी दुख की घड़ी में नाओमी अपनी दोनों बहुओं से एक बात कहती है जिसे मैं आपके सामने बाइबल से पढ़ना चाहूँगी। रूत उसका पहला अध्याय और उसका पद 8 इस तरह से कहता है, तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहां पर हम नाओमी के जीवन से एक चीज देखते हैं, एक माँ का प्रेम। माँ का प्रेम कितना निस्वार्थ है। नाओमी इस समय कितने दुख की घड़ी से, कितने परेशानी से, कितने बोझ से होकर जा रही है। ये वो समय था जब उसको खुद अपने जीवन में संभलने की जरूरत थी, लेकिन उसका प्रेम अपनी दोनों बहुओं के लिए था। उसने अपनी दोनों बहुओं को उनके प्रेम और उनकी सेवा के लिए, उनके समर्पण के लिए न केवल धन्यवाद किया लेकिन उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्हें एक सलाह दी कि क्यों ना वो उसको छोड़कर चली जाएं, अपने मायके चली जाएं और दोबारा विवाह कर लें और अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताएं। हम देखते हैं नाओमी के जीवन से एक माँ का प्रेम कितना निस्वार्थ होता है, एक माँ का प्रेम कितना निष्कपट होता है। इस संसार के अंदर एक माँ है जो ऐसा प्रेम करती है जिसके बदले वो हमसे और कुछ नहीं चाहती। उसके प्रेम में अपने बच्चों के लिए उसकी भलाई होती है। कई बार हम अपने जीवन में अपने माता पिता को या अपने माँ के दुख को नहीं देखते हैं, उसके आंसुओं को नहीं देखते, उसके मन के बोझ को नहीं देखते हैं, उसके अकेलेपन को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं प्रेम। लेकिन माँ उस अवस्था में भी हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए सोचती है। एक माँ का प्रेम, माँ का प्रेम संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग है।
कई बार हमें जवानी के दिनों में अपने दोस्तों का प्यार बहुत अच्छा लगता है, हमें दूसरे लोगों का प्यार, दूसरे लोगों की प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम अपने माँ के प्रेम को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि हमने उसके आंसुओं को, उसकी तकलीफ को नहीं देखा है। माँ के प्रेम को कभी तुच्छ न जाने। अभी यहाँ पर हम जो दूसरी चीज देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे अध्याय में किस तरीके से नाओमी अपनी बहू रूथ को उसके भविष्य के लिए एक सलाह देती है, जब वो दोनों मिलकर वापस इज़राइल देश में जाते हैं, और किस तरीके से वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए रूथ एक काम करने का निर्णय लेती है और बोआज नाम के एक व्यक्ति के खेत में काम करने जाती है। और जब नाओमी को पता चलता है ये तो वो व्यक्ति है जिसे हमारी ज़मीन को खरीदने का, छुड़ाने का अधिकार है, तो किस तरीके से नाओमी अपनी बहू रूथ को एक सलाह देती है। यहाँ पर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, लिखा हुआ है पद 20 में, नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं, नाओमी एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, और हम देखते हैं वो अपने लोगों का, जो वहाँ के इसराइल के लोगों का जो व्यवहार था, जो रीति थी, उसको अच्छी तरह से जानती थी। उसने यहाँ पर अपनी बहू को एक सलाह दी, उसने उसको सलाह दी कि उसको बोआस के खेत में ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो उनका कुटुंबी है और उसके पास अधिकार है उस भूमि को छुड़ाने का। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माँ जो परमेश्वर से प्रेम करती है, जो परमेश्वर के मार्गों को जानती है, वो अपने बच्चों को जब सलाह देती है तो उस सलाह के पीछे उन बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य होता है। कई बार हम अपने जीवन में अपनी माँ की सलाह को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारी माँ के पास वो शैक्षिक योग्यता नहीं जो आज हमारे पास है, हमारी माँ के पास वो तकनीकी ज्ञान नहीं जो हमारे पास है, हमारी माँ बहुत पुराने ज़माने की है, या हमारी माँ उन बातों को नहीं समझती है। लेकिन प्रियो, जब हमारी माँ हमारे लिए कोई सलाह देती है हमारे जीवन को लेकर, किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, उसके पीछे उसका एक अनुभव है। और यदि वो एक परमेश्वर से प्रेम करने वाली, प्रभु पर विश्वास रखने वाली माँ है, तो निश्चय प्रार्थनाओं के साथ उसने आपके लिए एक सलाह दी है, और वो सलाह हमारे जीवन के लिए एक सुनहरे भविष्य को लेकर आती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि रूथ ने अपनी सास की सलाह को बिल्कुल वैसे ही मान लिया जैसा उसने कहा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ ने अपने लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव को रखा। जब हमारी माँ हमको कोई सलाह देती है तो प्रियों से कभी भी एक नज़र में तुच्छ ना जाने, उसे बिल्कुल बेकार ना जाने। आप नहीं जानते हैं उस माँ की उस सलाह के पीछे आपके लिए प्यार है, उस माँ की उस सलाह के पीछे, उस चेतावनी के पीछे, उस डांट के पीछे, उस कड़ाई के पीछे, उस सख्ती के पीछे, उस निर्देश के पीछे आपके लिए एक सुनहरा भविष्य रखा हुआ है। अपनी माँ के सलाह को, डांट को, सख्ती को कभी तुच्छ न जाने। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक प्रभु का भय मानने वाली माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और मैं कहूंगी मात्र अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बल्कि एक पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनी। अगर हम रूथ की पुस्तक और उसके तीसरे अध्याय को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि नाओमी के अंदर जो गुण था वो गुण उसने अपनी बहू या अपनी बेटी रूथ के अंदर डाला। अगर हम उसके तीसरे अध्याय के पद 18 को देखें तो वहां लिखा है, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चलना पड़ेगा। नाओमी एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, जो परमेश्वर का भय मानती थी, और निश्चय उसके जीवन में कुछ ऐसे गुण थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सराहनीय थे, और उसने इन गुणों को या उसने इन बातों को मात्र अपने तक नहीं रखा बल्कि उसने इसे अपनी आने वाली पीढ़ी यानी अपनी बेटी को, अपनी बहू को उसने उसके जीवन में दिया। यहां पर वो उसे सिखाती है कि धीरज रखना, यानी जल्दबाजी नहीं करना, आज वो ये व्यक्ति बोआज इस काम को जरूर करेगा। नाओमी के जीवन में धीरज रखने का एक गुण था।
नाओमी जानती थी कि वो कैसी परेशानियों से निकली है, नाओमी जानती थी कि वो कैसी दुख और पीड़ा से निकली है, लेकिन नाओमी परमेश्वर पर विश्वास करती थी, इसलिए वो परमेश्वर पर धीरज रखकर आशा लगाए रहती थी। वो परमेश्वर की बाट जोहने वाली स्त्री थी, हम कह सकते हैं हो सकता है वो बहुत प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। नाओमी ने अपनी बेटी रूथ को भी यही सिखाया कि तुम धीरज रखे रहना, जल्दबाजी नहीं करना, घबराना नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। एक माँ जो परमेश्वर से प्रेम करती है, निश्चय उसके अंदर बहुत से अच्छे गुण परमेश्वर फलों के रूप में देता है, और जब माँ के अंदर वो गुण होते हैं तो निश्चय वो उसे अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी संतान को देकर जाती है। यहां पर हम देखते हैं किस तरीके से नाओमी ने रूथ को धीरज रखने को कहा, और उसका परिणाम वास्तव में उसके लिए सुनहरे भविष्य को लेकर आया। यदि आज हम एक माँ हैं और इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आपने जो कुछ परमेश्वर से सीखा है अपने जीवन काल में, उसे अपने तक न रखें, उसे अपने बच्चों को दें। परमेश्वर के मार्गों पर उन्हें चलना सिखाएं, उन्हें परमेश्वर के गुणों से भरना सिखाएं। और अगर आज हम एक बेटा या बेटी इस बात को सुन रहे हैं, तो याद रखें हमने अपने माँ से जो अच्छे गुणों को देखा है उसके जीवन में, सुना है प्रभु के साथ उसकी व्यवहार को देखा है, उसके जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखा है, उसका प्रभु के प्रति समर्पण को देखा है, हम उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। जो अंतिम बात हम देखते हैं, रूथ की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में उसके पद 14 में लिखा है, तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, और इसराइल में इसका बड़ा नाम है। जब हम देखते हैं कि पूरे रूथ की कहानी में किस तरीके से नाओमी अपनी बहू या अपनी बेटी कह सकते हैं रूथ को हर एक कदम पर जीवन में परमेश्वर की भक्ति और भय में चलते हुए दिशा निर्देशों को देती जाती है, उसका मार्गदर्शन करती है, और ये सारी बातें मिलकर रूथ के जीवन में एक भलाई को लेकर आती हैं, और अंत में नाओमी परमेश्वर का धन्यवाद देकर अपनी बेटी को आशीष देती है। अगर आज आप एक माँ हैं और आप इस संदेश को सुन रही हैं, आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद मैं भी एक माँ हूँ, और जब मैंने नाओमी के जीवन को देखा तो सच में मैं इस अध्याय से, इस पुस्तक से बहुत आशीष पाई। अगर आज एक माँ इस संदेश को सुन रही है, तो सबसे पहली बात, एक माँ को परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की संगति में रहने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला होना चाहिए। एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में मजबूत है, वो कठिन समय में भी अपने बच्चों के लिए एक आशीष का कारण होती है, वो संकट के समय में भी अपने बच्चों के लिए एक भविष्य के निर्माण का कारण होती है, वो एक पीढ़ी के निर्माण का कारण होती है। एक माँ निस्वार्थ प्रेम करने वाली होती है, वो अपने बच्चों के ऊपर अपने दुख और परिश्रम को, अपने आंसू को प्रकट नहीं करती, लेकिन वो उनके भविष्य के बारे में सोचती है। अगर आज एक माँ इस संदेश को सुन रही है, या भविष्य में आप में से कोई माता या पिता जब बनते हैं, इन बातों को याद रखें, किस तरीके से एक माँ को अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन में लेकर चलना है, प्रभु की अगुवाई में लेकर चलना है, किस तरीके से परमेश्वर की बुद्धि से मिली हुई सलाह उनको देनी है, किस तरीके से जो कुछ आज हमने परमेश्वर से सीखा है हमें अपने बच्चों के अंदर उन बातों को डालना है। यदि हम इन सब बातों को ध्यान में रखें, तो मेरा विश्वास है कि एक दिन नाओमी के समान हम भी परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद देंगे, उसकी गवाही देंगे, और हमारे बच्चों के लिए एक महान और धन्य भविष्य को तैयार करेंगे। इसलिए आइए आज हम माँ होने को या माँ के कर्तव्यों को कम न जानें। माँ एक राष्ट्र का निर्माण करती है। यदि आप एक माँ हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।